लोकल के ही लोग आ जाए और प्रकोष्ठ में छोटा हाल है वहाँ पर बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण कर दीजिए, उनको सम्मान अपना प्रेरित कर दीजिए। तो इसलिए ये छोटे से हाल में आप लोगों को बैठना पड़ रहा है, अगली बार बड़ा कार्यक्रम भी होगा। और अभी हम कई पार्टी का आगे आ रहे हैं, पार्टी का आगे में जैसा कि अभी सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगी थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, मूर्ति नहीं लगी थी। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की लगभग 3 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई है, सड़क की मूर्ति बनी है और यहाँ पर कार्य प्रारंभ हो गया। जेपी मधुमेह और बहुत सारे जो आईडी पर्सन हमारे लिए समाजवादी उदा रहे हैं, उनके चित्र जहाँ पर मुख्य मंच पर स्थापित हैं उसी स्थान पर उसी हाइट में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मूर्ति बताई है, जिसका आज उनको अनावरण भी करना है। आज इसका शुभारंभ होगा बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन के मौके पर। तो अभी हमको वहाँ जाना है, माननीय सुशीला सरोज गुरु सांसद जी बैठी है, हमारी बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी की, इनको भी जाना है। हमारे बीच में मोहनगंज के विधायक जो वर्तमान में माननीय अमरीश गुप्ता साहब वो भी बैठे हुए हैं। तो अभी वहाँ पर प्रेस वार्ता बुराई नहीं वाला मुझे, अभी हम आप लोगों से किससे चले जाएंगे। हमें आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आप लोगों से क्या अपील करनी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में, उन्होंने जो भारतीय संविधान बनाया उस संविधान में इस देश के वंचित समाज को, शूद्र समाज को, दलित पिछड़े समाज को, अनुसूचित जाति जनजाति और मानवीय क्लास के लोगों को जितने अधिकार दिए हैं, आज तक 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो किसी भी सरकार ने अधिकार लागू नहीं किए हैं। तो ये प्रयास होगा, हमारी आपकी कोशिश होना चाहिए, हम सरकारों के भरोसे पर ही जीवन न रहें, हम सामाजिक क्रांतिकारी बने। जैसा 2 अप्रैल को सामाजिक क्रांतिकारियों ने पूरे भारत को बता दिया है कि ये कमजोर समाज हमारी देश का है, भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या रोजगार दिया है और 40 सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो नहीं चाहती है कि देश का सभी पिछड़ा समाज चैन अमन और जिंदगी बसर कर सके, अच्छा भोजन पाए, अच्छा कपड़ा पहने, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है कि समाजवादी पार्टी के नए आदेश में आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी स्थापित हो गई मूर्ति। और मैंने अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की तरफ से भाई जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतना बड़ा जो संविधान की काफी है, इंडिया में जो सबसे बड़ी संविधान की कोशिश कर दी गई है, मैंने उसको दिल्ली से नवरात्र और उसको बहुत सुंदर सहयोग कराया है। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान उनकी कृति जो विश्व के सभी संविधानों में सर्वोत्तम संविधान कहा जाता है, सबसे बृहद संविधान है, आज वो आपके अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी 12 बजे वो भी भेंट करेंगे, वो प्रति अपने वहां पर पहुंचा देंगे। जाएगी इसलिए मेरी ये कोशिश थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का था कि स्वयं रहेंगे उसी कार्यालय में, लेकिन सांसदों की अधिकता हो जाने के कारण इस सांसद को बड़ा स्वर्ग में करना पड़ा है। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि अभी हमारे राष्ट्रीय नाटक का एक के सिद्ध राजू दोहरे जो ड्रामा के हैं वो नेशनल लेवल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, उनकी वाइफ श्रीमती अनंता सिंह इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है, एकल नाटक करती हैं, सामूहिक नाटक करती हैं, तो वो भी आपके यहाँ आएंगी, वो संक्षेप में अपना नाटक भी प्रस्तुत करेंगी। कुछ हमारे विज्ञान भाई आए हैं जो हमारे संगीत नाटक अकेडमी के इंदिराराम विद्यापति जी को सामने खड़े हैं, ये भी अपने गीत करेंगे, इतिहास सुनाएंगे, आप ग्रहण कर जाएंगे, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने अपने अपने नाटक में प्रस्तुत करेंगे। तो मेरा अनुरोध है संचालक महोदय से और आप सब लोगों से कि आप लोग बैठे जाएंगे और इस 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जब तक रोका नहीं जाता कि हमारे जो लीडर हैं और मैं 12 बजे प्रेस वार्ता करा के मुझे लगता है कि 12:30 बजे जा सकता हूँ, 12:30 बजे मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा।
हमारे घर में एक जमा, तो आप लोगों को अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊँ।